राधे राधे मेरे भाई बहन, मैं दिशा कश्यप बांके बिहारी परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी कथा लाई हूँ जो हमारी लाइफ पर कहीं ना कहीं मेल खाती है। अगर हमने ये काम कर लिया, ऐसा करने लग गए ना, तो हमारी लाइफ में बहुत खुशहाली आएगी और आने वाला जो टाइम होगा हमें कोई दिक्कत नहीं भुगतनी होगी। वैसे जब मैं नहीं जानती थी इस बात को, तब तक मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, लेकिन अब जान गई हूँ तो अगर जानबूझ के गलती करूँगी ना तो दंड डबल मिलेगा, डबल। जब तक अनजान थे हम करते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को पता है, बच्चे को पता नहीं है, लेकिन अब पता चल जाता है ना, तो अगर उसके बाद गलती की जाए तो भगवान भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि एक बार तो समझा दिया उन्होंने, उन्होंने हमारे मन में बोल दिया, उन्होंने समझा दिया हमें, उसके बाद भी हम गलती कर रहे हैं तो वो तो पाप होता है ना। तो चलते हैं कथा की ओर। कथा शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं कथा की ओर। वैसे आज की कथा है वो हमारे मंदिरों पर आधारित है, जो हमारे एक तो घर का मंदिर होता है, ठीक है, दूसरा हमारा जो मोहल्ले में पास पड़ोस में मंदिर होता है, पड़ोस में, पास में। तो हम क्या करते हैं, अपने मंदिर को नहीं पूजना, ठीक है, दूसरा हमें अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के मंदिर को नहीं पूजना, तीसरा क्या करते हैं हम, अपना ना घर का मंदिर पूजा ना बाहर का मंदिर पूजा, हम जाते हैं वहाँ उस मंदिर में जो 1 किलोमीटर दूर है, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है। हम क्या कहते हैं, हमारे ये विचार होते हैं अपने मंदिर के, अपने मोहल्ले के मंदिर को लेकर के हमारे विचार होते हैं कि अरे क्या करेंगे हम जाके, वहाँ तो मूर्तियाँ खंडित पड़ी, जाले लगे पड़े, जाले, अरे रहने दे, मन नहीं मानता मेरा। इस तरह से हमारे ना, मैंने काफ़ी लोगों से ऐसी बातें सुनी हैं, भगवान को पता, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, कैसे इंसान हो तुम जो भगवान को, अपने पड़ोस के मंदिर की तुम बुराई कर रहे, कहते हैं कि जाले लग रहे वहाँ, तो क्या करेगी, भगवान है भी नहीं, अरे तुम डाउट कर रहे हो भगवान पर, कैसे इंसान हो तुम, धिक्कार है तुम लोगों पे। तो हमें ना ऐसे ऐसे गलतियाँ करते हैं हम स्टार्टिंग में, जब तक पता नहीं होता हम करते हैं, लेकिन अब पता चल जाएगा, आगे से गलती करोगे तो पाप ही लगेगा आपको। तो चलते हैं कथा की ओर। मैं आपको एक कथा बताने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपका जो मंदिर है ना, आप जब तीसरे मंदिर में जाते हो, हमारा मानना यह है कि हम अगर दूर मंदिर में जाएंगे ना, दूर मंदिर जो हमारे घर से 1-2 किलोमीटर दूर है, या सिद्धपीठ है या कुछ भी है, जाओ अच्छी बात है, तो हम ये सोचते हैं कि वहाँ से हमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा, वहाँ पे जाओ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन आप अपने घर के मंदिर में दीप तक ना जलाओ तो ये तो पाप है ना, आप अपने मोहल्ले के मंदिर में जल तक ना जलाओ ये भी पाप है। आप क्या कर रहे हो, सबसे दूर जा रहे हो जहाँ सोच रहे हो तुम्हें कि बहुत पुण्य मिलेगा, लेकिन एक बात है, आप भूल जाते हो कि ना तो तुम अपने घर के मंदिर को पूजते हो, ठीक है, ना तुम अपने बाहर के मोहल्ले के मंदिर को पूजते हो, ठीक है, जो मोहल्ले के मंदिर होते हैं, मोहल्ले के मंदिर के ऊपर ये कथा आधारित है। आज के बाद आप ऐसी गलती करोगे तो पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो चलते हैं कथा की ओर। आपके मोहल्ले के मंदिर सबसे ज़्यादा क्यों पूजने चाहिए, दूर के मंदिर में जाओ बहुत अच्छी बात है, डबल पुण्य मिलता है दूर के मंदिर में, भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो मोहल्ले के मंदिर में होते हैं ना, तो उससे ना दूर के मंदिर में भगवान एक बार के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो दूर के मंदिर में भगवान बैठे हैं, ठीक है, वैसे तो भगवान हर जगह है, लेकिन मान्यता है ना, मान्यता उस पर आधारित है। तो एक व्यापारी था, चलते हैं कथा की ओर, एक व्यापारी था जो नित्य प्रति भगवान की सेवा करता था, पूजा करता था, ठीक है, उसका नियम था कि रोज भगवान की पूजा करे, भगवान की सेवा करे, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आया कि उसके ऊपर बुढ़ापा आ गया, उसे बीमारियों ने घेर लिया, बहुत सारी बीमारियाँ लग गई उसको, तो वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया, ठीक है, तो वो उसे बहुत, अब जो नियम था वो टूट गया रोज मंदिर जाने का, ठीक है, ऐसा समय आया। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका मृत्यु का समय निकट आ गया। अब उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो आपको ये नहीं पता शायद, जब मृत्यु होने वाली होती है ना, जब यमराज जी आते हैं प्राण लेने के लिए, तो वो पहले कहाँ जाते हैं, पहले वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमारा मोहल्ले का मंदिर होता है, क्योंकि जब तक वो उनसे परमिशन नहीं लेंगे ना, जो भी हमारे मंदिर का, अगर शिव का मंदिर है तो भोले बाबा से लेंगे, माँ का मंदिर है तो माँ से लेंगे, जब तक वो परमिशन नहीं लेंगे कि प्रभु आपका ये भक्त इस मोहल्ले में, ये भक्त इस प्रकार रहता है, आज इसका मृत्यु का टाइम है, इसकी आयु समाप्त हो चुकी है, मैं इसके प्राण लेकर के जा रहा हूँ, जब तक भगवान परमिशन नहीं देंगे, जो मोहल्ले के मंदिर के भगवान होते हैं, जिन्हें आप ये कहते हो कि मूर्तियाँ खंडित है, झाले लगे पड़े हैं, अरे भगवान है, बस तुम्हारे है ना मन के अंदर पाप है ना, हमारे मन के अंदर पाप होता है जो हम भगवान को ऐसे ऐसे कहते हैं, हम तो शर्म आनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले जो मोहल्ले का जो मंदिर होता है, या खेड़ा हुआ या माता हुई, कुछ भी हुआ, मोहल्ले में जो छोटा सा भी मंदिर होगा ना,
बिना यमराज उसकी परमिशन के हमारे प्राण नहीं ले सकता। अगर भगवान ने ये कह दिया ना, अगर हम रोज जाते होगे उस मंदिर में, अगर हम रोज जाते होगे तो भगवान से जब पूछने लग जाएगा कि इस प्रकार का ये इस नाम का आदमी है प्रभु आपके पास आता था, तो भगवान, अगर भगवान ने ये कह दिया ना कि आई डोंट नो हु आर यू, मेरे पास तो ये आया ही नहीं कभी, तो क्या होगा? इस कथा मैं आगे बता रही हूँ मैं आपको क्या होगा। मान लिया आपके उन्होंने परमिशन दे दी, जाओ मेरे पास तो आता नहीं था, ये आप प्राण ले लो उसके, जाके अगर आयु पूरी होगी, भगवान ये कही गया वो, और यमराज तड़प तड़प के प्राण लेता है उस इंसान के जो मोहल्ले के मंदिर में जाता है। क्या बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा कि सांस अटक अटक रुक जाते हैं, अटक अटक के आते हैं, बड़ी भयानक मौत मरता है वो, लेकिन बहुत पुण्य करता था वो, मंदिर रोज जाता था, नियम था, फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा क्या करा इसने जो इतनी मुश्किल से, कोई एकाशी दान कर रहा है, कोई क्या, इसका कारण यही है आप मोहल्ले के मंदिर जाते नहीं हो, ठीक है, आप क्या करते हो एक एक किलोमीटर दूर मंदिर जाते हो, सोचते हो कि ज़्यादा पुण्य मिलेगा, मिलता है वहाँ से पुण्य मिलता है, लेकिन मोहल्ले के मंदिर को मत छोड़ो, वहाँ जाओ जाओ जाओ, ठीक है, तभी आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। तो अगर भगवान ने कह दिया ना मैं नहीं जानता इसे कौन है, तभी भगवान जो यमराज है ना वो तड़प तड़प के जान लेता है, उन इंसानों की जान तड़प तड़प के निकलती है। अगर आप आज से ही ये नियम मान दोगे कि पहले मोहल्ले के मंदिर को पूजूंगा मैं, 5 मिनट सारे लगते हैं, जल चढ़ा के आ जाओ आप, 5 मिनट में आप मोहल्ले के मंदिर को पूज के आ जाओ, अपने घर में दिया जला दो, वहाँ चले जाओ, फिर अच्छी बात है, डबल ट्रिपल पुण्य हो गया आपका। लेकिन सबसे पहले अगर जो व्यक्ति अपने मोहल्ले के मंदिर में जाता उसके प्राण तड़प तड़प के निकलते हैं। अगर भगवान ने कह दिया ना कि ये मेरा बच्चा है, जब यमराज आता है जो मोहल्ले के मंदिर में जाता है, तो अगर उसकी आयु पूरी हो ही होती है तो वो, कि भगवान ने कह दिया ना कि नहीं ये तो मेरा बच्चा है, अरे रोज आता था मेरे पास, नहीं यमराज जी इसके प्राण बड़े प्यार से निकालना, इसे पता भी ना चले मौत होती क्या है। उन इंसानों को आपने देखा भी होगा बहुत सो की मौत पता भी नहीं चलता, ऐसी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता, वो कहता है हाय हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा ये मर भी गया है। नहीं, उनकी मौत इसलिए होती है इस तरह से क्योंकि वो है ना मोहल्ले के मंदिर को पूछते हैं। देखो जो दूर के मंदिर है उससे ही पुण्य मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत डबल ट्रिपल पुण्य मिलेगा, लेकिन अपने मोहल्ले के मंदिर को मत भूलो, ठीक है, अपने मोहल्ले के मंदिर को पूजो ही पूजो, ताकि आने वाले टाइम में यमराज जब आए तो भगवान ये ना कह दे कि मैं नहीं जानता इसे, फिर तड़प तड़प के ही मरना होगा हमें। इसलिए मोहल्ले के मंदिर को पूजो ताकि हमें प्राण आए, हमें पता भी ना चले और भगवान के धाम को हम चले जाए। तो ये वीडियो में यही मेरी जो बात थी यही इसी पर आधारित थी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, श्री राधे राधे।